इस लड़की को किसी शैतान ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। देखते ही देखते वो एक मॉन्स्टर में बदलने लगती है। उसके हाथ पैर काफी लंबे हो गए थे और कुछ देर बाद वो वहाँ खड़े लोगों पर हमला कर देती है। अगले दिन एक आदमी पानी की तलाश में उसी जगह पर आ जाते हैं। वहाँ पर काफी सारी लड़कियाँ थी जो उन सभी लोगों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर महल के अंदर ले जाती है। अब वो लोग लड़कियों के साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो सभी शैतान है। थोड़ी देर बाद वो लड़कियाँ अपने असली रूप में आने लगती है। उनका शरीर एक मकड़ी में बदल जाता है और वो सभी मिलकर उन लोगों पर हमला कर देती है। मॉन्क के साथी उसे बचाने के लिए अपने हथियार उठा लेते हैं और उन मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं, लेकिन वो बहुत ताकतवर थे। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मॉन्क के टुकड़े करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम मॉन्क के एक साथी को देखते हैं जिसको एक मकड़ी ने पकड़ लिया है। वो उसके मुंह पर जहर डाल देती है। इससे पहले कि वो मकड़ी उस आदमी को मार दे, वो अपने हथियार की मदद से उसे खत्म कर देता है। मंकी को भी अब काफी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उन सभी मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है। अब वहाँ पर मकड़ियों की बारिश होने लगती है और थोड़ी देर बाद वो पूरा घर जमीन में समा जाता है। अचानक से उन सभी मॉन्स्टर्स की रानी वहाँ पर आ जाती है। मंकी बिना कुछ सोचे उस रानी का मुंह पकड़ लेता है और कुछ ही देर में उसे भी मार देता है।